सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठशाला और नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। गोविंद बल्लभ पंत जन्म 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ। इनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया। 1946 में गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और इस पद पर वे 1954 तक रहे। इन्होंने 1914 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की और 1916 में गठित कुमाऊं परिषद में अपनी अहम भूमिका निभाई। 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण इन्हें 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में नज़रबंद रखा गया। इनके द्वारा देश के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1961 को पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया। हेमवंती नंदन बहुगुणा। हिमपुत्र के नाम से विख्यात हेमवंती नंदन बहुगुणा का जन्म 1919 को पौड़ी जनपद के बुधाणी गांव में हुआ था। 1950 से 1956 तक वे उत्तर प्रदेश इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव रहे। उनकी राजनीतिक सूझबूझ के कारण 1982 में उन्हें लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 1973 से 1975 तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा 1979 में वे भारत सरकार के वित्त मंत्री भी रहे। 20 मार्च 1990 को अमेरिका में उनका देहांत हो गया। इंडियन नाइज़म उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। कुली बेगार प्रथा के नायक बद्रीदत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। इलाहाबाद और देहरादून से पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेकर 1913 में उन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया। इन्होंने 14 फरवरी 1921 को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर बेगार रजिस्ट्रों को नदी में बहाकर इस प्रथा का अंत किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें 1921 से 1942 तक कई बार जेल जाना पड़ा। 1937 में उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक कुमाऊं का इतिहास लिखी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़केसरी के नाम से विख्यात अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 1894 को हुआ था। एक वकील होने के साथ साथ वे कुली बेगार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1921 में उन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया और मार्च 1943 को उनका देहांत हो गया। कालू मेहरा। जन्म 1831 को चंपावत जिले के विसुंड गांव में हुआ था। इन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। 1906 में इनका देहांत हो गया। हर्षदेव औली। काली कुमाऊं के शेर के नाम से विख्यात हर्षदेव औली का जन्म 1890 को चंपावत के गौसानी गांव में हुआ था। इन्होंने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और 1940 को नैनीताल में इनका निधन हो गया। विशंबर दत्त चंदोला। जन्म 1879 को पौड़ी के थापली गांव में हुआ था। इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना के पश्चात 1905 से गढ़वाली नामक पत्रिका का संपादन देहरादून से इनके द्वारा किया गया। 1914 में गढ़वाल के तीनों पत्रों विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली का एकीकरण करके 1915 में साप्ताहिक गढ़वाल नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसका संपादन भी विशंबर दत्त चंदोला द्वारा ही किया गया। अगस्त 1970 को इनका देहांत हो गया। खुशीराम आर्य। जन्म 1886 को दौलिया नैनीताल में हुआ। इन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं, बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत
की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाई। इन्होंने शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किया और दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में ये अग्रणी रहे।